गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ये नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होने वाला है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके चैप्टर का नाम है। ये आपका नया चैप्टर है, जो कि चैप्टर 3 है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम चैप्टर थ्री है आपका आपके बुक में। चैप्टर 3 डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में BME और तथा जन इंजीनियरिंग दोनों के इलेक्ट्रिकल पार्ट में चैप्टर 3 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपका होता है। ठीक है, तो नाम आपको मैंने बता दिया। अब नाम के अनुसार कुछ चीज़ें जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या आपका, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट कुछ ऐसे ही है, मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट मतलब कि कहने का कि या तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट है या फिर मैग्नेट से इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसा मतलब निकल के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो यहाँ पे जो अब हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेट की तरह व्यवहार करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अभी तो हम ये चीज़ें जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके बाद। इसी तरह अब हम ये जानेंगे कि वही इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कैसे करने लगता है। ठीक है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कैसे करने लगता है इस बारे में अब हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है, इस बात को किसने बताया? एक साइंटिस्ट हैं बायो एंड सेवेट्स, उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये चीज़ें देखी। वो किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि उनके पास एक वायर था, वायर उन्होंने लिया और वो उस वायर में पोटेंशियल दे रहे थे। मान लीजिए हमने इस वायर को कोई पोटेंशियल दे दिया, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि इस वायर पे पोटेंशियल देने पे उस भी वायर के पास एक निडल रखी हुई थी। ठीक है, कोई पोटेंशियल इस वायर को प्रोवाइड कर दिया उन्होंने और इसी के पास रखा था एक निडल रखी थी। ठीक है, ऐसे रैंडमली पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि जब वो इस वायर को पोटेंशियल देते हैं और इस वायर में करंट फ्लो होती है तो वो देख रहे थे कि जो निडल है ये क्या हो रही थी, ये वाइब्रेट हो रही थी, ये हिल रही थी और ये अपनी दिशा को चेंज करते हुए इस तरफ आने की कोशिश कर रही थी, इस वायर के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रही थी, वायर की तरफ घूमने की कोशिश कर रही थी। उस समय उनको ये बात पता नहीं चल पाई, समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि ये निडल इस वायर की तरफ आने की कोशिश कर रही। तो उन्होंने दोबारा यही एक्सपेरिमेंट फिर किया, फिर एक वायर लिया और यहाँ पे एक निडल रखा और यहाँ पे एक स्टील का निडल रखी, दोनों ही रखी और इस वायर पे उन्होंने पोटेंशियल फिर प्रोवाइड किया, फिर इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई थी। फिर वही चीज़ देखने पर उन्होंने देखा कि ये जो निडल है आयरन की वो इस तरफ रोटेट हो रही थी, मगर जो स्टील की निडल है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये जैसे कि तैसे उसी पोजीशन पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने दोबारा जब ये चीज़ देखी कि वाइब्रेट एक कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, कुछ कोई ना कोई चीज़ तो अट्रैक्ट कर रही है इन दोनों ही मटेरियल्स के बने सामानों को, एक आयरन का बना एक स्टील का बना, तो ये उन्होंने फिर ये सोचा कि ये जो हमारा आयरन का बना हुआ जो निडल है सुई है जो हमारी वो हमारी वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ना कि स्टील वाली,
तब उनके उनके जहन में बात आई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक वायर लिया, फिर वायर लिया और उसके बाद यहाँ पे आयरन की निडल रखी और फिर स्टील की निडल रखी। ये आयरन की हो गई, ये स्टील की हो गई, निडल रखी, पर इस वायर को कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया। इस वायर पे उन्होंने कोई पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया। जब उन्होंने ये देखा कि हमने वायर पर पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया, तब ना तो स्टील वाली निडल में वाइब्रेशन हुआ और ना ही आयरन वाली निडल में वाइब्रेशन हुआ। दोनों जिस पोजीशन पे जिस तरीके से पड़ी थी उस तरीके पे वो उसी तरह रखी हुई थी। उन्होंने ये बात देखी। अब क्या ये सोचा उन्होंने, अब ये सोचा कि ऐसा तभी होता है जब हम क्या करते हैं, ऐसा तभी होता है जब हम इस वायर पर पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं, इस वायर पर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, इस वायर पे जब वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और वायर में करंट फ्लो होना शुरू होती है, ऐसा तभी होता है जब आयरन, तभी आयरन की निडल आपकी वाइब्रेशन शुरू करती है और स्टील की निडल में कोई वाइब्रेशन तब भी नहीं होता है जब हम उसे पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं वायर पे, और तब भी नहीं होता है जब हम पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मटेरियल है स्टील वाला, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं वो कर पा रहा अपने आप को, इस जब हम इस वायर को पोटेंशियल देना है तो ये अपना कोई भी एनर्जी इसको अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर रही है। मगर वही चीज़ आयरन के साथ जब हो रही थी तो देखा जा रहा था कि जो आयरन की निडल है वो लगातार उस वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लगातार उसकी तरफ अपनी डायरेक्शन को कर रही थी, मगर जब पोटेंशियल हटा दिया गया तो वो आयरन की ही निडल अपनी जगह पे जस की तस रखी हुई थी, कोई भी चीज़ें उसमें चेंज नहीं हो रही थी। तब उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये जो फेनोमेना हो रहा है, जो आयरन की निडल हमारी बार बार हमारी वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ऐसा तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो। फिर अपनी रिसर्च के दौरान, रिसर्च में उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीज़ देखी, समझी और ऑब्ज़र्व की कि हमारा जो ये वायर है जिस पे हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करने पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट जो इसमें जब फ्लो होती रहेगी तब ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है। तो उन्होंने ये जाना कि जब भी हम किसी वायर को, जब भी हम किसी वायर को पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तब तक वो वायर, तब तक वो चीज़ हमारी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी रखती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखती है। यहाँ से ये फिनोमेना शुरू हो गया कि आपका जो वो है, आपका जो वायर है वो वायर करंट कैरिंग वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग वायर, जिसमें लगातार करंट का फ्लो हो रहा है, वो वायर आपका एक मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। जो आपका वायर है करंट कैरिंग वायर, वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, जब तक उस पर पोटेंशियल प्रोवाइड होगा, करंट उसमें से फ्लो करती रहेगी, तब तक वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। बायो एड सावर्ट ने यही बात बताई थी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ही तो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही अपना फ्लो कर रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के पास हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। पर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब हम उस पर कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और वह लगातार करंट को फ्लो कराता रहेगा, तो वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। अदरवाइज हम उसे पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो है ही, अब प्लस बोनस में उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो बायो सावर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीज़ को प्रूफ किया कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी काम कर सकते हैं। तो उनकी ये बातों को जब प्रूफ किया तो उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हुए कि ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक वायर के पास तभी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी कवर करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों एक दूसरे से कैसे सिमिलर होती हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, क्या लिखा है टॉपिक में,
टॉपिक में यहाँ पे क्या लिखा है, टॉपिक में यहाँ पे लिखा है लिखा हुआ है एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट लिखा हुआ है। मतलब कि हमको क्या करना है, वैद्युत व चुंबकीय परिपथ में समानताएं बतानी है, कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड और कैसे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये दोनों ही हमारी क्या है, ये दोनों ही हमारी समान है, ये हमको बतानी। अब ये बात बहुत इजी है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में सारी जानकारी जानते हैं तो सेम पैरेलली आप जो मैग्नेटिक फील्ड में भी देखेंगे तो सेम चीज़ें मिलेंगी। बस फिनोमेना में ये चेंज होंगे कि दोनों के नाम चेंज हो सकते हैं और दोनों में के थोड़े थोड़े से फंक्शंस चेंज हो सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, सेम तरीके से सब चीज़ें वर्क करी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम पढ़ते हैं और एक एक को पढ़ के हम एक एक के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जो यहाँ पे आपका धारा के प्रवाह के मार्ग पाथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है फ्लक्स प्रवाह के मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स लिखे हैं। अब इन दोनों के बारे में हम आपको बता देते हैं, ये दोनों क्या चीज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं, दोनों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो धारा के प्रवाह के मार्ग पाथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा दिया, ये पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आपने एक मैग्नेटिक सर्किट लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपने पोटेंशियल लगा दिया और करंट को फ्लो करा दिया। करंट आई यहाँ से गई, ठीक है, करंट आई यहाँ से जा रही। अब देखिए, आपको पता है कि आपको मेरे बात क्लियर कर दे, करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना करंट कहलाता है। करंट वहाँ डेवलप कर गई, वो करंट हमारी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दिया, मतलब आपकी करंट क्या है, डेवलप कर गई। मगर उस करंट को जो हम यूज़ में लाएंगे, उस तब हम लाएंगे जब हम किसी भी सर्किट को क्लोज पाथ प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जितनी करंट हमारी बन रही है वो टोटल उस सर्किट में वर्क करना शुरू कर दे, कहीं भी वेस्ट ना हो। ठीक है, कहीं भी मतलब की जाए ना। तो हमारा दो सीक्वेंस हुआ, एक कि जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस पर पोटेंशियल अगर लगाएंगे तो ये क्लोज पाथ कर लिया ना, तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो गई, तो ये अपने क्लोज पाथ में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे करंट आपकी डेवलप करंट को आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उस डेवलप करंट को आप कोई डिवाइस लगा के जैसे कि यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई डिवाइस लगाया और डिवाइस के थ्रू आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे, धारा के प्रवाह के मार्ग पाथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। हाँ, तो मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक सर्किट ले लिया है और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए क्या है, करंट आपकी फ्लो होना शुरू की, हायर टू लोअर फ्लो होना शुरू की, फ्लो करती चली जाएगी। तो ये जो पाथ है इसका, यहाँ से चलना, फिर रेजिस्टेंस में आना, फिर यहाँ आना, ये एक क्या कर रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है। तो करंट हमारी क्लोज पाथ में होती है, तो क्लोज पाथ में फ्लो करती है, तो उस पाथ को हम बोलते हैं वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पूरा चीज़ आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, और जो करंट हमें मिल रही है वो हमको क्लोज पाथ में मिलती है, यूज़फुल करंट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एज अ करंट के फॉर्म में किसी डिवाइस में यूज़ करते हैं। जैसे बल्ब है, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की जगह हमने अगर बल्ब लगा दिया होता तो ये करंट इस बल्ब को क्या कर देती, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमें दिखती, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमें ये दिखती, लाइटिंग इसकी जल जाता इसका लाइट। तो इसको क्या किया, ये हमको यूज़फुल करंट मिल गई जो हम एनर्जी, लाइट एनर्जी के रूप में देख लेते हैं। तो ये क्या आपका बेसिकली आपका एनर्जी का ही कन्वर्जन अलग अलग तरीके से है, और उस अलग अलग तरीकों को अलग अलग नाम दिया गया है छोटे छोटे टर्म्स पे, है ना,
कैसे किसका चेंजेस हो रहा है, सिर्फ फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम कह दिए करंट, तो करंट भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ही तो फ्लो हो रहा है, एनर्जी ही एक दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, वही ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई सामान तो है नहीं कि इधर से उधर चला जाएगा, वो एनर्जी ही है ना जो इधर से उधर जा रही है, तो उसी एनर्जी को जो हम ले जाके जो हम वहाँ पे बल्ब लगाए वहाँ पे शो हम होता है, तो एक लाइट के रूप में वो सारी एनर्जी एक लाइट के रूप में शो हमको होती है, प्रकाश के रूप में, ठीक है। तो एनर्जी का ही सब कन्वर्जन है, उसको अलग अलग नाम के साथ बोला गया। तो ये जो बात हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन करंट आपकी इधर से उधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक जगह दूसरी जगह, तो ये क्लोज इस पूरे क्लोज पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। उसी तरह हम अगर हम इसकी बात कर लें मैग्नेटिक की, तो मैग्नेट में भी आप पता है कि मैग्नेट में क्या होगा, फ्लक्स चेंज करने पर करंट डेवलप करेगी, ठीक है, मैग्नेट में आपको पता है। अब फ्लक्स क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको बता दिया जाए कि फ्लक्स क्या चीज़ है। तो आप देखिए फ्लक्स क्या चीज़ है, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, तो आप देखेंगे देखेंगे फ्लक्स क्या चीज़ है। फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स बस आपको इतना समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज एरिया के अंदर से पास हो जाती हैं उन्हीं को हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम मैथमेटिकली उसको लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहले आप देखिए फ्लक्स इज नथिंग, इट इज़ ओनली द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज़ पासिस टू थ्रू आउट द पासिस थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द कंडक्टिंग एरिया, तो वो आपकी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स आपकी क्या है, फ्लक्स इज नथिंग दैट इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच इज पासिस थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द कंडक्टर या थ्रू आउट द कंडक्टर एरिया, विच इज नोन एज फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइंस जा रही हैं आपकी इस एरिया में से जो पास कर रही है यही आपकी क्या कहलाएंगी, फ्लक्स। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख देंगे, जैसे मैथमेटिकली हम लिखेंगे फाई, जो फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, इनटू एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से जा रही है, इनटू ए, तो ये आपकी क्या कहला गई, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है जो एरिया में से पास हो रही है, वही आपकी फ्लक्स है, हाँ वो लाइन ही तो है जो फ्लक्स है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली उसको लिखते हैं फाई इक्वल टू बी डॉट ए, इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक, इस तरह इसको लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, दूसरी लाइन को हम आपको समझा रहे हैं, दूसरी लाइन, हाँ तो कहाँ तक मैंने आपको बता रही थी, हाँ यहाँ पे, तो फ्लक्स के बारे में आपको बता रही थी, तो फ्लक्स आपको समझ गए होंगे क्या है। तो वही फ्लक्स, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात हो रही है, तो वही फ्लक्स जो आपका होगा, जो इस कॉइल में से जा रहा है, जो इस कॉइल में से पास हो रहा है, कॉइल में से पास हो रहा है, तो ये जो फ्लक्स की वजह से जो करंट आपकी डेवलप हो जाएगी, पोटेंशियल क्रिएट किया, ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ, फिर करंट डेवलप हुई, करंट डेवलप हुई, तो ये फ्लक्स का जो लगातार चेंज होगा, तो ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, इस क्लोज पाथ में से जाएगा, फ्लक्स के रूप में फ्लक्स ही चारों तरफ रोटेट करेंगे, तो ये क्लोज पाथ में से इस क्लोज पाथ में से जाएगा, तो इस ही पाथ को हम बोलते हैं चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट, इस पाथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट, जैसे हम उसमें बोलते थे इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स का एक जगह से दूसरी जगह तक जाके आना हमारा पूरा क्लोज पाथ में कहलाता है मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट हो गया। अब दूसरे जो पॉइंट को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा प्रवाहित होती है उसका मात्रक एम्पियर होता है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स उत्पन्न होता है जिसका मात्रक वेबर होता है। देख लीजिए फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, यही होता है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया वेब इंटू बी, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वेबर, वेबर एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी हो गई वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, तो ये दोनों को आपने बोल दिया वेबर, मिला के आपका वेबर बन गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट में ड्राइंग फोर्स ईएमएफ होती है तथा इसका यूनिट यूनिट वोल्ट होती है, और मैग्नेटिक सर्किट में ड्राइंग फोर्स एमएमएफ होती है तथा इसका यूनिट एम्पियर टर्न होता है, ठीक है, बता दे रहे हैं क्या है दोनों चीज़, कुछ नहीं है, जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखेंगे
तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम करेगी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये फोर्स पोटेंशियल के चेंज होने पे काम करती है, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट में, तो फ्लक्स जब चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने पे भी एक चीज़ काम करती है, जो आपकी क्या होती है, फ्लक्स के चेंज होने पे भी काम करेगी, जो हमारी क्या काम करेगी, जो हमारी क्या करेगी, मैग्नोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मैग्नोमोटिव फोर्स। तो ये भी फ्लक्स के चेंज होने पे काम करती है, और ये क्या करती है, पोटेंशियल के चेंज होने पे काम करती है। तो दोनों एक तरीके से वर्क करती हैं और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, और यहाँ पे भी क्या करेंगी, फ्लक्स लाइन्स को ही कट कराने में मदद करेगी। तो ये दोनों ही क्या होती हैं, सिमिलरली होती हैं। तो यहाँ पे उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, यहाँ पे मैग्नोमोटिव फोर्स कर बोलते हैं। और एक चीज़ और इसमें आप पढ़ेंगे, इंड्यूस ईएमएफ पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। तो उससे हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट ड्राइंग फोर्स ईएमएफ क्या होता है, तथा इसका यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। और दोनों में हमने बता दिया हमने कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने पर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर मैग्नोमोटिव फोर्स डेवलप करता है, जो आपके एम्पियर पर टर्न जिसकी यूनिट होती है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट पे आपका क्या लिखा, फोर्थ पॉइंट पे लिखा है धारा के अवरोध करने का गुण प्रतिरोध आर कहलाता है, जिसकी यूनिट ओम होती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा वही चीज़ फोर्थ पॉइंट में मैग्नेटिक सर्किट में देखिए लिखा है फ्लक्स का अवरोध करने का गुण रिलक्टेंस एस कहलाता है, तथा इसकी यूनिट एम्पियर टर्न अपॉन वेबर होती है, पर वेबर होती है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखा हुआ एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आपको ये बता दे रहे हैं, जैसे कि आप धारा का अवरोध बोल दीजिए, या धारा को आप बोल दीजिए कि कंट्रोल करना, अवरोध नहीं करना, बस उसको अवरोध ही आप बोल सकते हैं कि धारा को अवरोध करना या कंट्रोल करना के लिए हम एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक डिवाइस है जिस रेजिस्टेंस उसका हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस इक्विपमेंट एक। और इसी तरह हम फ्लक्स में या इस्तेमाल करते हैं रिलक्टेंस का, जो क्या करती है, फ्लक्स को कंट्रोल करने का काम करती है। अब इन दोनों चीज़ में एक चीज़ और दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आर इज दैट इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अब ये चीज़ दिख रही होगी कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा है, तो ये आर हमारा किसके चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आर जो है रजिस्टेंस हमारा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, लेंथ पे और रेजिस्टिविटी पे। अब एक बात हुई कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज नथिंग, इट इज़ द अवेबिलिटी टू डिफाइन द रेजिस्टेंस, हाउ टू एबल टू करेंट होल्ड द करेंट, मतलब एक वायर की कैपेबिलिटी को डिसाइड करता है कि वो कितने देर तक करंट को कितना टाइम तक कंट्रोल कर सकती है, वो आपकी आती है रेजिस्टिविटी कहलाती है, जिसको हम रो से लिखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आर हमारा क्या है, आर हमारा आप देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन एरिया के, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचने की बात है कि ये आर लेंथ और एरिया की जो बात हो रही है, इसको ये कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है, आर कैसे इस पर डिपेंड कर रहा है, सोचने की बात है, एरिया के बढ़ाने से या घटाने से क्या चीज़ें हो रही हैं, ये एक चीज़ सोचना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए कोई अभी आप मटेरियल ले लीजिए, मटेरियल की बनी एक प्लेट आप ले लीजिए, एक ये प्लेट है और एक हमने ये प्लेट ले ली, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि हमारे जो भी कोई भी सामान हो, किसी मटेरियल से बन रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूरी इनमें ज़्यादा हो जाएगी अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं। वहीं अगर हम एरिया को घटा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो जाहिर से बात है कि इस प्लेट की एनर्जी इस प्लेट की तुलना में ज़्यादा होगी,
ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बीच में कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब अपनी एनर्जी को एक्सीट करके तुरंत तुरंत हटा दे रहे हैं, तुरंत 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 बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इनके बीच डिफरेंस है, ये अपनी टोटल एनर्जी को एक दूसरे तक पहुँचाने में थोड़ा सा कठिन समय अधिक भी लेंगे और अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते जाएंगे बीच में, कहीं ना कहीं उसको खपाते चले जाएंगे। तो इनके भी डिस्टेंस अधिक होने की वजह से हमारा क्या होगा, हमारा एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो हमको एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी हमको कम मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एरिया को हम अगर बहुत बढ़ा देते हैं, हाँ एरिया को हम बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम होता चला। अगर एरिया को हम घटा दे रहे हैं तो जितना हम घटाएँगे हमारा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उसके फ़ायदा क्या होगा, घटाने से इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, एनर्जी ज़्यादा डेवलप करेगी, हमारे डिसिपेट एनर्जी बहुत कम, हमको लॉस एनर्जी हमको बहुत कम मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो वायर होगा उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती चली जाएगी और हमारा रेजिस्टेंस हमको हाई मिलता चला जाएगा। ठीक, तो ये एरिया की बात होगी। अब लेंथ की बात में भी सेम फिनोमेना है। लेंथ की बात में क्या, हम लेंथ को जितना, लेंथ की बात कर देंगे, लेंथ को जितना हम बढ़ाते हैं, लेंथ को हम जितना बढ़ाते हैं, लेंथ को हमको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाते हैं, मतलब जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही हमको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। क्यों? लेंथ में हम एरिया, जैसे कोई चीज़ ये है, ये है इतना एरिया इतनी लेंथ पे, तो ये इसकी लेंथ हुई, ये इसकी लेंथ हुई, ठीक। अगर हम इसी चीज़ को खींचते चले जाए, खींचें तो इसका एरिया कम होता चला जाएगा कि नहीं, कम होता चला जाएगा कि नहीं, कम होता चला जाएगा, और खींचते जाओ खींचते जाए तो पता चलेगा कि एरिया एकदम से कम होगा, एरिया एकदम से कम और लेंथ एकदम से ज़्यादा। तो आप धीरे देंगे कि लेंथ एक्सीड करने पर एरिया तो अपने आप ही कम होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकदम पास पास आते लगना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा मिलेगा, ठीक। जितना अधिक लेंथ उतनी अधिक रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ आप तो यहाँ पर समझ गए होंगे एक। और यहाँ पे जो आपका है फ्लक्स का, यही फिनोमेना फ्लक्स में भी आएगा, फ्लक्स में भी, मगर इसमें आपको क्या एक चीज़ ध्यान देना है, फ्लक्स में आपको ध्यान देना है रिलेटिव परमेबिलिटी की, एक रिलेटिव परमेबिलिटी उनके उनके बीच मीडियम कैसा है वो आपको ध्यान देना है। तो ये भी चीज़ आपको बताई जाएगी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है आगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहले हम वो पढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि KCL व KVL लगाया जा सकता है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी, और यही और मैग्नेटिक सर्किट में भी, इसमें भी किरचॉफ के नियम लगाए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी KCL KVL लगाया जा सकता है। वो सर्किट सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉज को लगा सकते हैं। सेकंड चीज़ आपकी क्या है, इसी में सेकंड चीज़ आपको क्या मिलेगी, सेकंड चीज़ आपको ये मिलेगी कि सीरीज़ व पैरेलल, यहाँ पे लिखा है सीरीज़, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है सीरीज़ व पैरेलल के नियम लागू। सीरीज़ और पैरेलल के नियम मतलब रेजिस्टेंस जो आप लगा रहे हैं वो आप सीरीज़ में और पैरेलल दो ही तरीक़ों से लगा सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया और कैसे लगाते ये भी बताया था। तो ये दो ही तरीक़ों से लगा सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में भी लागू हो सकता है और वही सीरीज जो रेजिस्टेंस हमारा मैग्नेटिक सर्किट में भी लागू हो सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेवलप होती है उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो मैग्नेटिक की वजह से लागू होती है उसमें हम इम्पिडेंस ले लेते हैं, इंडक्टेंस इसको बोल देते हैं, ठीक है, ये इंडक्टेंस है और उसके लिए हम इस तरह का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते हैं जो क्या होता है, घुमावदार होता है, ठीक है, सिंबल है इसका, जैसे इसका सिंबल ये होता है रेजिस्टेंस, ऐसे इम्पिडेंस का ये होता है, ठीक, इंडक्टेंस का सिंबल ये है। तो ये इतनी चीज़ें हुई, इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे छोड़ चलेंगे, हम आगे चलते हैं आगे जी। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई कि सिमिलैरिटी क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में, क्या क्या सिमिलैरिटी है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी चीज़ समझ में जब आ गई है तो हम आगे पढ़ेंगे और हम डिसिमिलरिटी को देखेंगे, डिसिमिलरिटी हम देखेंगे क्या हमारा डिसिमिलर है इसमें, डिसिमिलरिटी को इसमें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम अपने, या नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि क्या कहते हैं
हमारा क्या है, हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कैसे ही असमानताएँ रखती हैं, डिसिमिलर होती हैं। ठीक है, आगे वाली चीज़ों में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पेज शो कर दे रही हूँ जिसमें हमको देखना है तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या करेंगे, डिसिमिलैरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, इस टॉपिक को हम लोग अगले वाले वीडियो में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही देखते हैं कि इतना ही हम आज के उसमें करते हैं। ठीक है, और इसकी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके और पढ़ा जाएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मैग्नेटिक सर्किट एक बहुत बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैग्नेट में कन्वर्ट किया गया और मैग्नेटिक सर्किट से कैसे हमने करंट पाया और हमारे करंट कैसे डेवलप वहाँ पे करती है और कैसे हम तक पहुँचती है, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ बताया गया है। और साथ ही एक चीज़ और है कि जो अभी हम ये कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रेट पर मिलती है, क्यों ऐसा कम रेट पर मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट जो हैं वो बहुत बड़ा यूज़ इसमें दे रहे हैं। अब क्या यूज़ दे रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में से एसी फंडामेंटल जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमको बहुत सस्ती मिलती है। ठीक है, उसमें कई चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो हमको सस्ती मिल रही है। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।